स्थानीय विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के मार्च सीजन का आज का पहला सवाल। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला को किस फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, बी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, सी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया या डी कैरम फेडरेशन ऑफ इंडिया। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। कृपया ध्यान दें कि अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद स्क्रीनशॉट कर आप अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि प्रतियोगिता के समाप्ति के बाद अपना स्क्रीनशॉट भेजकर उपहार प्राप्त कर सकते हैं। भागलपुर, बोले मंत्री शाहनवाज हुसैन, बंगाल में गोली और बम की सरकार का होगा खात्मा। देर शाम भागलपुर के सराय में कैंप बिहार के द्वारा उद्योग मंत्री बनने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे सैयद शाहनवाज हुसैन का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कैंप बिहार की संयोजक डॉक्टर प्रीति शेखर और अध्यक्ष डॉक्टर मृणाल शेखर के नेतृत्व में कैंप बिहार के सदस्यों ने सराय में गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान सभी सदस्यों ने उद्योग मंत्री को फूल माला, बुके और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मौके पर मंत्री ने कहा कि भागलपुर उनकी सांसों में बसता है और भागलपुर के सर्वांगीण विकास के लिए वे कार्य करते रहेंगे। साथ ही बिहार सरकार के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बंगाल में भाजपा के द्वारा सरकार बनाए जाने का दावा करते हुए ममता सरकार के खात्मा होने की बात कही। भाजपा नेता ने कहा कि गोलीबारी की ममता सरकार का अब खात्मा होगा। भाजपा सोनार बंगला की बात करती है और भाजपा अपार बहुमत हासिल कर विजय पताका लहराएगी। वहीं मौके पर कार्यक्रम में कैंप के विकास सिंह, रविंद्र राय, राम बहादुर सिंह, मनीषा मिश्रा, आकाश कुमार, राहुल तोमर सहित कई अन्य उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी विजय का पताका लहराएगी। बंगाल में ममता जी की विदाई तय है। भारतीय जनता पार्टी वहां अपार बहुमत जीतेगी। मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता जी, गोली बम बारूद की सरकार जो बनाने का काम किया, अब गोली बम बारूद की सरकार नहीं बल्कि अब सुनार बंगला भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान की सरकार बनेगी। बंगाल की जनता को इंतजार था। अब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 से ज्यादा बहुमत से चुनाव जीतेगी।
रशिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। भागलपुर में गोली मारकर महिला की ले ली जान। कुछ माह पूर्व पति की गई थी गोली मारकर हत्या, उसी तरह पत्नी की भी हो गई हत्या। थाना क्षेत्र के वादे गांव में शनिवार देर रात्रि इंदु देवी नामक 51 वर्षीय महिला की अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर जान ले ली गई। घटना शनिवार रात्रि करीब 1 बजे के लगभग का बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो महिला घर में सोई हुई थी और उसके बड़े पुत्र और पुत्र वधू मायके गई हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। हाँ, उसी टाइम घर में था। कब गया है? वो गया है, घटना वही सब होला के बाद गया है। हम लोग कितना देर हो गया? ये भी 2 घंटा हो गया। रात में आप नहीं थे यहाँ? नहीं, हम नहीं थे। कहाँ गए? मम्मी घर गए थे। कहाँ? रजनपुर। रजनपुर कहाँ पड़ता है? ये दीदरियापुर इधर पड़ता है, कजरेली तरफ। तो बेटी का तो ब्याह करा थे? ये की गो है बेटी? कहाँ वो लगा था? इस बात अभी ये लगा है, गोड्डा है। लगा था? हाँ। है लगा हुआ, लग गया है गोड्डा। 20 तारीख को शादी होने वाला है। तो नहीं होगा। बेटी है कहाँ? नौनी घर में। कब गई? नौनी घर में रहते हैं। अरे सब कल ले गई है, बेटी भी बेटी कल गई है, उसको तो ये भी कल गई है, ये लोग गई है, इसका घटना ऐसा हुआ है। हमको फोन किए थे, बेटी सब कल आया थी। कहाँ? गोड्डा में। ननिहाल कहाँ? यही रतनगंज पड़ता है। नवगछिया के आवासीय द्रौपदी शिक्षा निकेतन में वाद विवाद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत नवगछिया पुलिस के द्वारा आवासीय द्रौपदी शिक्षा निकेतन में भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने किया। वहीं इस दौरान पुलिस पदाधिकारी ने उपस्थित छात्राओं के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता कराया। कार्यक्रम के दौरान अवर निरीक्षक राजकुमार सिंह ने छात्राओं को पुलिस के कार्यों पर विस्तार से चर्चा की एवं कानूनी जानकारी भी दी। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता में शामिल हुए छात्र एवं छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया में क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर में 115 रक्तवीरों ने किया रक्तदान। नवगछिया के प्रख्यात समाज सेवी रामावतार सराफ पुण्यतिथि पर क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया द्वारा बाल भारती स्कूल में रक्तदान शिविर उत्साह पूर्वक मनाया गया। शिविर का उद्घाटन पीएससी प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार, जदयू जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, राम कुमार साहू, सुभाष चंद्र वर्मा, गोपाल केजरीवाल सहित कई अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस मौके पर उपस्थित लोगों ने राम अवतार सराफ के चित्र पर माल्यार्पण कर व पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। सीएनजीए जीएन अध्यक्ष चंद्रगुप्त शाह ने राम अवतार सराफ के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे नवगछिया वाणिज्य परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, साथ ही क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया के पथ प्रदर्शक थे। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसाय संघ के भूतपूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष व संरक्षक भी थे। व्यवसाय संघ संदेश मासिक पत्रिका के संपादक भी रह चुके थे। मीडिया प्रभारी अशोक केडिया ने बताया कि इस बार रक्तदान शिविर में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं एवं 18 वर्ष से ऊपर के युवक एवं युवतियों ने बढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान करने बिहार पुलिस के कई जवान भी पहुंचे। वहीं से रक्तदान शिविर में नगर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपना रक्तदान क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया को दिया, जिसमें नवगछिया नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, जिला परिषद सदस्य विपिन कुमार मंडल, कुणाल गुप्ता, त्रिपुरारी भारती, अशोक केडिया, शरद योगी, बिहान सिंह राजपूत सहित कई लोगों ने अपना रक्तदान कर संस्था के सदस्यों का मनोबल बढ़ाया। रक्तदान करने वाले लोगों को मेडल व एक फूल का पौधा और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया।
रक्तदान को लेकर 8 बेड बनाए गए थे, साथ ही 2 जगह स्टॉल लगाकर जांच भी की जा रही थी। नवगछिया में क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर में 115 रक्तवीरों ने किया रक्तदान। नवगछिया के प्रख्यात समाज सेवी रामावतार सराफ पुण्यतिथि पर क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया द्वारा बाल भारती स्कूल में रक्तदान शिविर उत्साह पूर्वक मनाया गया। शिविर का उद्घाटन पीएससी प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार, जदयू जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, राम कुमार साहू, सुभाष चंद्र वर्मा, गोपाल केजरीवाल सहित कई अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस मौके पर उपस्थित लोगों ने राम अवतार सराफ के चित्र पर माल्यार्पण कर व पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। सीएनजीएन अध्यक्ष चंद्रगुप्त शाह ने राम अवतार सराफ के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे नवगछिया वाणिज्य परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, साथ ही क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया के पथ प्रदर्शक थे। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसाय संघ के भूतपूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष व संरक्षक भी थे। व्यवसाय संघ संदेश मासिक पत्रिका के संपादक भी रह चुके थे। मीडिया प्रभारी अशोक केडिया ने बताया कि इस बार रक्तदान शिविर में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं एवं 18 वर्ष से ऊपर के युवक एवं युवतियों ने बढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान करने बिहार पुलिस के कई जवान भी पहुंचे। वहीं से रक्तदान शिविर में नगर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपना रक्तदान क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया को दिया, जिसमें नवगछिया नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, जिला परिषद सदस्य विपिन कुमार मंडल, कुणाल गुप्ता, त्रिपुरारी भारती, अशोक केडिया, शरद योगी, बिहान सिंह राजपूत सहित कई लोगों ने अपना रक्तदान कर संस्था के सदस्यों का मनोबल बढ़ाया। रक्तदान करने वाले लोगों को मेडल व एक फूल का पौधा और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान को लेकर 8 बेड बनाए गए थे, साथ ही 2 जगह स्टॉल लगाकर जांच भी की जा रही थी। एक जिला है और जो जगह का नाम है अंग प्रदेश नवगछिया से हम लोग हैं। आज क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया के संयोजन से ब्लड डोनेट का जो शिविर लगा है, उसमें मैं लोग गाय मित्र हुआ मलेशिया और हमारे सभी बड़े बुजुर्ग भैया यहाँ पर है। आप देख रहे हैं और मैं भाभीियों के लिए और सभी के लिए एक गीत और मैं गाना चाहता हूँ कि पूछो तो कौन है वो रुतिये सुहानी है मेरी महबूबा, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया में भाजपा नेता मोहम्मद नईम को स्वर्ण व्यवसायी ने दुकान पर जाकर पीटा, गंभीर हालत में मायागंज रेफर। नवगछिया शहर के छोटी ठाकुरबाड़ी रोड स्थित इलेक्ट्रिक दुकानदार सह भाजपा नेता रसलपुर निवासी मोहम्मद नईम को पड़ोस के स्वर्ण व्यवसायी शुभम कुमार और शैलेश कुमार उर्फ पीकू ने ईंट से पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सर पर ईंट से पिटाई के कारण उसका मुंह और सर फूल गया और वह बेहोश हो गया था। मारपीट की घटना के बाद मोहम्मद नईम को गंभीर स्थिति में नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। मोहम्मद नईम को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने की खबर जैसे ही रसलपुर गांव पहुंची, वहां से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंच गए। घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश था, जिसके कारण स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। मारपीट की घटना के बाद स्थिति को तनावपूर्ण होने की सूचना मिलते ही एसडीपीओ दिलीप कुमार नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने आक्रोशित लोगों को शांत कराते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एसडीपीओ के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। वहीं बताते चलें कि 2 दिन पूर्व भी इन दोनों ने चोर का अफवाह फैलाकर 2 बालक रसलपुर निवासी मोहम्मद मंजूर के 16 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद उमर के 14 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अरबाज को पीट पीट कर अधमरा कर भीड़ के हवाले कर दिया था, जिसमें दोनों बालक को उन दोनों के अलावा भीड़ ने पीट पीट कर गंभीर कर दिया था। दोनों बालक कपड़ा खरीदने के लिए बाजार आए थे,
दोनों नईम का भतीजा था जिसके साथ मारपीट कर उसे घायल किया गया। वहीं उस दिन दोनों बालकों किसी तरह जान बच गई, नहीं तो भीड़ उसकी भी जान ले लेती। उस दुर्घटना के बाद पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों का कहना है कि अगर पीड़ित द्वारा आवेदन नहीं दिया गया तो ऐसे मामले में पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उन लोगों का मनोबल बढ़ गया और मारपीट की घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया। लोग कह रहे थे कि अगर उनके दुकान में चोरी हुई है तो वे किसी को भी चोर कह पिटाई कर देगा। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि तत्काल शुभम कुमार एवं शैलेश उर्फ पीकू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मामले में दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पल के ऊपर कट का निशान है, इसको पहले फाड़ दे, चिंदी जाए ब्लड निकलने। कैसे हुआ मारपीट बताएंगे बाद में। अभी जो है उसका हमको घर बता दीजिए भाई, कम घर नहीं सकते अपने मार चु दिल में बैठ जाना, घर बताओ रे बहन, तो घर कहां तो एकदम लख जोखो कोई साथ देने वाला नहीं है, सारे लोग करेंगे नहीं, गलत किया है वो तो, गलत किया है तो उसको हम लोग कानूनी तरीके से उसको जो भी सजा हो सकता है हम लोग दिलवाएंगे। सबसे पहले हम लोग उसका इलाज करवाते हैं जी। अभी वहीं गए हैं सर, तो मायागंज गए हैं ना, सीटी स्कैन होगा सर पूरा एकदम कर दीजिए, हम लोग भी जरूरत होगा तो चलेंगे, ठीक ना। पहले उनको इलाज करवाते हैं। आवेदन के लिए कोई जरूरी नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं से आवेदन दीजिएगा, नहीं दीजिएगा बोलिएगा, हम लोग जी वहीं पहले इलाज करवा लेते हैं। पहले इलाज के लिए तो गया है, वो हमारे हिरासत में है, जो दोनों आदमी घटना किया है दोनों हमारे हिरासत में, ठीक ना। पहले इलाज करवाइए, नंबर पर जो भी लिख के देंगे उस पर केस तो करेंगे, नहीं लिख के देंगे फिर भी हम लोग केस करेंगे, ठीक ना। क्योंकि बहुत पहले भी घटना कर दिया है, उस दिन भी हम गुस्सा हो रहे थे, उससे लिख के क्या नहीं दिए, बोला कि लिख के दिया ना, वहाँ से फोन करके भैया को बोले उस पर केस कीजिए, गलत किया है केस कीजिए, लेकिन भैया बोले कि सब झंड रहे थे नहीं। बाजार का माहौल बहुत अच्छा है, हमको लगता है कि जो मारपीट किया इसके अलावा ना कोई उसका सहयोग करने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, सारे लोग करेंगे नहीं, गलत किया है तो गलत किया है तो उसको हम लोग कानूनी तरीके से उसको जो भी सजा हो सकता है हम लोग दिलवाएंगे। सबसे पहले हम लोग उसका इलाज करवाते हैं जी। अभी वहीं गए हैं सर, तो मायागंज गए हैं ना, सीटी स्कैन होगा सर पूरा एकदम कर दीजिए, हम लोग भी जरूरत होगा तो चलेंगे, ठीक ना। पहले उनको इलाज करवाते हैं। आवेदन के लिए कोई जरूरी नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं से आवेदन दीजिएगा, नहीं दीजिएगा बोलिएगा, हम लोग जी वहीं पहले इलाज करवा लेते हैं। पहले इलाज इलाज के लिए तो गया है, वो हमारे हिरासत में है, जो दोनों आदमी घटना किया है दोनों हमारे हिरासत में, ठीक ना। पहले इलाज करवाइए, नंबर बोलिए अपना जी। मेरा नंबर है 62-00-93-92-2299। नंबर हम कॉल करते हैं मेरा प्राइवेट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर होली ड्रीम पब्लिक स्कूल में हुआ क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर रविवार को वन हर्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से होली ड्रीम पब्लिक स्कूल भवनगावा में कक्षा छठी से कक्षा बारहवीं तक के बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं में अंजलि कुमारी ने, कक्षा दसवीं में कल्पना कुमारी, कक्षा नौवीं में रोशनी कुमारी, कक्षा आठवीं में कुमकुम कुमारी, कक्षा सातवीं में शुभम कुमार व कक्षा छठी में लेखा कुमारी ने प्रथम स्थान हासिल किया। तो वही मोहम्मद पप्पू राइन, अंशु कुमारी, रिया कुमारी, गोलू कुमार, मोहम्मद फर, आफरीन खातून, जोया, मोहम्मद सयान आदि ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ प्रतिभागी को संतावना पुरस्कार दिया गया। क्विज प्रतियोगिता में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित व जनरल नॉलेज के कुल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूछा गया, जिसमें रोशनी कुमारी ने 50 में 47 नंबर लाकर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया। सभी प्रतिभागी को सेवानिवृत्त शिक्षक ओम प्रकाश छाया, प्रशांत कुमार, होली ड्रीम पब्लिक स्कूल के प्राचार्य राहुल सांडल्य आदि के द्वारा शील्ड, मेडल, किताब व कलम आदि प्रदान कर हौसला अफजाई किया गया। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर।
नवगछिया इंडियन कांग्रेस पटना चैप्टर द्वारा एक दिवसीय वेबिनार आयोजित। विज्ञान दिवस के अवसर पर इंडियन साइंस कांग्रेस पटना सेक्टर के द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन राजेंद्र कॉलोनी नवगछिया में रविवार को हुआ। विज्ञान तकनीक और अन्वेषण के प्रभाव विषय पर आयोजित वेबिनार इंडियन केमिकल सोसाइटी के भागलपुर चैप्टर के द्वारा अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक झा के देखरेख में किया। बीहपुर में पुण्यतिथि पर याद किए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बीहपुर प्रखंड के स्वराज आश्रम में प्रखंड कांग्रेस के द्वारा रोहित आनंद शुक्ला की अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि के मौके पर श्री शुक्ला ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का व्यक्तित्व एवं छात्र जीवन अविस्मरणीय है। आज युवाओं को इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। मौके पर पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष राधाकृष्ण सिंह सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया चचेरे भाई की बारात में आए दो युवक की सड़क दुर्घटना में गई जान। नवगछिया के रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के NH 31 पर चापर ढाला के समीप शनिवार की देर रात बारात आए दो युवक की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। दोनों मृतक युवकों की पहचान रविवार को हुई है। मृतक दोनों पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र के ओझा कुप्पा निवासी चंदन कुमार 25 वर्षीय पिता स्वर्गीय दिनेश महलदार और मोनू कुमार 26 वर्ष पिता माधव महलदार शामिल है। जानकारी के अनुसार मृतक सोनू के चचेरे भाई पिंटू कुमार की शादी रंगरा ओपी के सदवा चापर गांव में थी। मृतक दोनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर पिंटू की शादी में बारात आ रहे थे। देर रात सभी बारात सदवा चापर पहुंच गए, दोनों युवक पीछे रह गए। रंगरा के चापर ढावला के पास पहुंचने पर एक अनियंत्रित अज्ञात ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया। दुर्घटना में दोनों की जान घटनास्थल पर ही चली गई। दुर्घटना के बाद इसकी सूचना रंगरा पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर रंगरा पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर थाना लाया। देर रात दुर्घटना के बाद शव की पहचान नहीं हो पाई थी। वहीं देर रात दुर्घटना होने के कारण बारात आए लोगों को भी दोनों युवकों की मौत की जानकारी नहीं मिल पाई थी। रविवार की अले सुबह जब सदवा चापर में पिंटू का विवाह संपन्न हो गया तो परिजनों द्वारा मुनू और चंदन की खोज की जाने लगी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा शनिवार की देर रात हुए मोटरसाइकिल दुर्घटना में दो युवकों की जान चली जाने की बात बारात लोगों को बताया। लोगों ने बताया कि दोनों युवक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार थे। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद उनके परिजन रंगरा थाना पहुंचे, जहां दोनों मृतक युवक की पहचान की। मृतक दोनों युवक की पहचान के बाद रंगरा पुलिस ने दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराकर नवगछिया अनुमूल्य अस्पताल में परिजनों को सौंप दिया है। ढोलबज्जा जीप ने कदुआ में एक स्कूल का किया उद्घाटन। नवगछिया जीप नंदनी सरकार ने रविवार को पुनामा प्रताप नगर कदुआ में एक स्कूल का उद्घाटन किया। वहीं मौके पर स्कूल के उद्घाटन के बाद जिला पार्षद नंदनी सरकार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्कूली बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निर्देशक से कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, जो एक गुरु व माता पिता ही दे सकते हैं। वहीं इस अवसर पर मुखिया अशोक सिंह, सरपंच सिराज सिंह, CRPF DSP विभास राय, डॉक्टर पंकज के साथ अन्य लोग भी उपस्थित थे। विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर लें आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन 0 Mile नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।